स्वागत है आपको मेरे चैनल पे टेक्निकल मास्टर पे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप अपने वर्चुअल मेमोरी यानी कि अपनी रैम को इंक्रीज। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, स्मॉल ट्रिक है, और तो वीडियो फास्ट करते हैं इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट है। तो इसके लिए पहले आपको जाना होगा अपने पीसी पे। पीसी पे जाकर यहाँ पर नीचे जाकर प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ पर जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस सेटिंग सिस्टम पर वहाँ पर चाहिए। और जब एडवांस सेटिंग सिस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पर एडवांस आएगा, तो यू मस्ट बी लॉग इन। कुछ मत देखिए यहाँ पर विजुअल, हमने ये वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर दी गई है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी कुछ सेटिंग्स पे जाइए। तो आप जाएंगे तो ऐसा आएगा, तो इसको अब आप यहाँ पर कुछ मत करके एडवांस पे जाइए। जब एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मत कीजिए, नीचे वर्चुअल मेमोरी आई है यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल फाइल साइजिंग फॉर ड्राइव 5634 MB है, तो आपको ये MB चेंज कर दोगे। तो ये MB चेंज करने के लिए आपको पहले चेंज पे जाना होगा, यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल फॉर ऑल ड्राइवर्स, इसको हटा के यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर कस्टम साइज को क्लिक करके अपने अपने लिए हाला पे आपके अवेलेबल स्पेस है 4080। अपने इनिशियल पहले याद कर दूंगा क्या है इनिशियल। इनिशियल मतलब यहाँ पर देखिए 16 MB और मैक्सिमम आपका क्या है वो टाइप करके आप अगर सेट करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गए वो होगा। इसलिए मैंने एक दो बार कर चुका है तो मैं आप नहीं करूँगा क्योंकि दो बार से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों अगर आप करेंगे तो एक बार रिस्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट के बाद आपका हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। दोस्तों इतना था मेरे वीडियो में, आपको अगली वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।